शरण परे प्रभ तेरिया, प्रभ की वडियाई, नानक अंत न पाई, बेअंत गुसाई। शरण परे प्रभ तेरिया, प्रभ की वडियाई, नानक अंत न पाई, बेअंत गुसाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार सिंह साहिब ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना जी आप जी नू सरवण करवाउणगे। आप जी जदों भी गुरु घर आवो, 5-10-15-20 मिनट जरूर संगत विच बैठो, हाजरी भरो, पाठ कथा कीर्तन सरवण करो। अपने घरां विच बच्चियां दे नाल पंजाबी बोलो, बच्चियां नू गुरमुखी जरूर पढ़ाओ, ताकि साडे बच्चे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे चरणी लग सकन। अगले समय वास्ते आओ गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, कर कृपा नानक गुण गावै, राखो शर्म असाड़ी जीओ, सतगुरु पातशाह दी साजी सवारी सत्संग जियो। अदब सत्कार सहित फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। लड़ीवार जो पावन बाणी दी विचार चल रही है, बिलावल राग विच्चों साहिब गुरु अर्जन देव जी दे शब्द दा पाठ आपने सरवण कीता है। बिलावल महल पंजवा, जे जंत सो प्रसन्न भए देख प्रभ प्रताप, प्रभु दी वड्याई वेख के तेज प्रताप वेख के सारे जीव जंत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न होए कि सिर तो भारा उतर गया। भारा सी कर्जा सी, कर्ज उतारिया सतगुरु कर आहर आप। भागा माल है जिसका भार उतारन लई दूसरा उपराला करे। ऐसे करना तो आप चाहिए है कि मेरा कर्जा उतर जाए। आप नहीं उपराला किया, गुरु ने कर दिता, गुरु ने बांह फड़ ले, गुरु ने कर्जा उतार दिता। एक कर्जा शब्द के है, दूसरे कोलों उधार लेना कि तेनू वापस कर देंगा। दूसरे ने कहा वापस तो करेंगा, मैनू देन दा फायदा की है, नाल की देवेंगा, ब्याज की देवेंगा, गिन के देंगा और ब्याज लवांगा, कर्जा देंगा। ये धन का कर्जा
हर महापुरख ने एक गल कही कि करजाई होना चंगी गल नहीं, पर जे लोड़ पै ही जाए तो ले लवो, पर ईमानदारी नाल वापस कर दिओ। रैतनामिया च लिखे है, मैं तुहानू बचन सुना दिया, सिख होए कर कर्ज ना लेवै, थोड़े चो गुजारा कर लवे, पर लगे चा बुला वस लग दे कर्जा ना लवे। सिख होए कर कर्ज ना लेवे, जाओ लेवै जे ले ही लवे तो भाव कर देवै, बड़े प्यार नाल वापस करे। मुसलमाना विच एक रवाज था कि जिसने कर्जा देना होवे उहदा हज परवान नहीं, हज दे दिन ने हाजियां जदों हज करन वास्ते जाना है, जे कर्जा देना तो लभदे फिरदे ने कि बंदा लब जाए जिसका देना है, नहीं तो हज नहीं जा सकता। मुसलमानों सोरों सुगंध व्याज, हजरत मुहम्मद साहब ने कहा मुसलमानों कर्जा दियो व्याज ना लेना, वो तुहाडा भरा है पिछड़ गया पर वापस कर दे। कर्जे वाला जिहड़ा है से कर्जा परंपरा इत्थे तक जालम बन गई कि कर्जाई बंदे नू फड़ के अपनी ड्योड़ी च संगल मार के सुट सकदा सी, कोठड़ी च पा सकदा सी। और एक गल हो, कर्जा उतारन लई को जमीन दे देवे, जे जमीन नाल भी ना उतरे गहने गट्टे दे देवे, वह भी ना उतरे फिर आप विक जाए। बंदे विकदे सन कर्जे विच, उन्होंने कहिंदे सन गुलाम हो गए क्योंकि कर्जा उतरिया नहीं। कुछ बंदे तो ऐसे ने कि ले लिया तो जान के नहीं देना, आलसी सुभाव बन गया, दूसरे के पैसे नाल ऐशो इशरत करो। अज बड़ा नवा जिहा शब्द बन गई और चा नाल लोग लेंदे पए ने, जी मैं लोन लिया, इंग्लिश का शब्द आ गया, ये नहीं कहिंदे मैं कर्जा लिया। कर्जा बुरी चीज़ है, लोन बड़ी वधिया चीज़ है। गलत सबूत दे दे के भी ले ही जाना, खाई जाना। सिख होए कर कर्ज ना लेवै, पर इत्थे जिहड़े कर्जे का जिक्र आ, सनातन ने कहा सी तू कर्जा आई है, किसदा? तू ब्रह्म का कर्जा आई है, परमात्मा का कर्जाई है, तेनू उसने जन्म दिता। तू देवत्या का कर्जाई है, उन्होंने कहा देव ऋण, ब्रह्म ऋण। होर कहा तू माता पिता का कर्जाई है, पितरां का कर्जाई है, तो कर्जा किवें उतार? माता पिता का तो सेवा करके उतार, और पितरां का श्राद करके उतार, देवत्यां दा यज्ञ होम करके उतार, और सिमरन करके परमात्मा दा कर्जा उतार। सतगुरां ने तारना होर दिते, उन्होंने कहा परमात्मा दात देंदा। याद रखना सिखी दा ते अनमतां दा फर्क ये है, उन्होंने कहा परमात्मा ने सानू कर्जा नहीं दिता, सानू दात दिती है। गुरु ने सानू कर्जा नहीं दिता, सानू दात दिती है। माता पिता ने कर्जा नहीं दिता। मां ने कदिए गिणिया कि बच्चे लिए मैं किन्ने घंटे काम किया, होर किते करेगी तनखा मंगेगी, बच्चे लिए किन्ने घंटे काम किया नहीं, ये तो प्यार है, बच्चे नाल तो प्यार है, वो उहदा अपना है। कदी नहीं पति कहिंदा मैं पत्नी नूं कर्जा दिता, कर्जा देईदा बगानियां नूं, अपनियां नूं कर्जा नहीं, अपने नाल ते प्यार है। कर्जा वो है जो सिर ते भार। हुण भार की है? जिस कर्जे का जिक्र इत्थे कीता है, ये धन गुरु रामदास भी करदे ने। कुछ विद्वानां ने लिखिया कि ठाकुर हरदास जी जदों शरीर चोला छड्डिया, उस वेले माता ते पहले चढ़ाई कर गए सन, गुरु रामदास की उम्र 7 साल सी, ते पिता दे के गया कर्जा, बहुत सारा कर्जा सिर ते चढ़िया सी। जिहड़े आए उन्होंने कहा हुण ते अजे मेरे कोल कुछ नहीं, पर मैं दे देवांगा।
ਉਹ ਉਤਾਰੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜੈਥਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਰਤਨ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰ। ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਉਤਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਰਿਣ ਲਾਥਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਮਨੂਆ ਖਿਨ ਨਾ ਟਿਕੈ, ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਦਹਿ ਦਿਸ ਚੱਲ ਚੱਲ ਹੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵੀ, ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੰਤਰ ਦਿਓ ਮਨ ਠੱਡ। ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਢੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਢੇ, ਹਮਰੇ ਮਸਤਕ ਦਾਗ ਦਗਾਨਾ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਂਢੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦਾਗਿਆ ਗੁਲਾਮ। ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਦਾਗਿਆ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭੀਏ ਕੁਛ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਭਾਰ ਭਰਾਏ ਸਿਰ ਚਰੈ ਚੱਲਿਓ ਚਾਹੈ ਬਾਟ, ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ ਡਰੈ ਆਗੈ ਅਵਘਟ ਘਾਟ। ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੜ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਨਿੱਤ ਬੰਦਾ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਹੈਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਸ ਹੈ, ਛੱਤੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਰ ਉਠਾਵੇ, ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰ ਢੋਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਵਗਣਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਤਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਆਹਰ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਮਰੇਗਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਹੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਖੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਨਹਾ ਆਇਆ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਉਤਾਰ ਵੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਯਾਦ ਆਈ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮਰੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਿਓ, ਰਾਜਾ ਮਰੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਲੋਚਦਾ, ਚੰਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਸੱਦ ਲਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਲੋਚਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ
मेरे मालिक नहीं मैं तेरी जिंदगी लोचना मौत नहीं। तू लोगों के राजा मरेगा तो कर्जा दे। कह लगा पहले एक गल दसो कर्जा लैके कोई वापस करना चाहता है। कह लगे नहीं मजबूरी है वैसे लै लवे ना बंदा तो वापस मोड़न तो मन नहीं। कह लगा मैं तो इसलिए लोगों को दिता है कि नित अरदासा करते रहन जोतड़ियाँ करते रहन ना राजा मरे तो ना कर्जा वापस करिए। मैं तो तुहाड़ियां अरदासां दा प्रबंध किया सच जे करजा लैके बंदा देना नहीं चाहता। गुरु साहब जी कहते ने करजा बड़ा बुरा चुक ले उतार दे छेती नाल उतार दे। गुरु ने कहा तेरे कोलों उतारिया भी नहीं जान तू पकड़ लैना सच जे गुणा की इन्नी ज्यादा पकड़ नहीं जिनी अवगुणा की। तुहानू बेनती कर जिन्नी छेती ये बंदा अवगुणा छड़दा देर लगती है कई बार तो उम्र लंघ जाती अवगुण नहीं छड़दा गुण बड़ी छेती छड़ दे गुणा का त्याग कर देता लेकिन अवगुणा का नहीं। मैं इत्थे भाई गुरदास जी का एक कवि तुहानू सुना दे संगत नू ते थोड़ी जी गल तो छड़ बैठेगा कुछ संग नहीं छड़दा। तीन प्रमाण भाई साहब ने दिते ने कमाल कर दिते। कहिंदे ने एक चोर नू मार पई बहुत मारिया पुलिस ने पर जदों जेलों निकल के बाहर आया सीधा चोरों कोल पहुँच गए अपना संग उन्हें नहीं छड़े। ऐसा नहीं आज तक चोर वेखे है कोई कि जेलों निकलिया होवे तो सतसंग विच आया होवे नहीं चोरों कोल सीधा पहुँचना। जैसे कहते ने मारबे को त्रास देख चोर ना तजत चोरी बटवारा बाट पारी संग हो तकत है। डाकू डाकुआ वेखता है इस तरह ही। कहते ने अमल ही ना अमल तजत जो तकार किए दुख दुख लोग बेद सुनत शक्त है। कहते ने इस तरह ही कुसंगी अपना संग नहीं छड़ दे। आदम असाद संग छाड़त न अंगीकारे गुरसिख साध संग छाड़ क्यों सकत है। नीवे पासे ते मन वहिंदा मन दा सुभाव है पानी नू जदों मौका मिले नीवे पासे ते आपे वहेगा किसे प्रेशर दी लोड़ नहीं। उच्चा चढ़ना है ते को प्रेशर चाहिदा है तां चढ़ेगा। नीवे पासे ते जांदा है नीवे दा कर्जा चढ़दा गया अवगणा नाल प्यार। कुछ पंक्तियां प्रमाण वजो मैं तुहानू होर सुना दिया क्योंकि गल दृढ़ हो जाए। लोक अवगणा की बन गंठड़ी अवगणा दी ते पंड बन लई हर एक ने गुण ना विहाजै कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई हो। अवगणी भरिया शरीर है क्यों संतो निर्मल हो। ए अवगण किन्ने के ने सबे अवगण एक भी ऐसा नहीं जेड़ा मेरे च ना होवे सारे ही ने सबे अवगण। मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मिलावा होई गुरु कृपा कर। कहंदे ने ऐसा कर पैसा रख ना रख फुल पेटा कर भावे ना कर रुमाल लेके आ या ना आ पर एक चीज जरूर है जो लैके आया जिन्हें अज तक पाप किते ने अवगन किते ने सारे रख के मथा टेक जा। कह दाता आई असल बेटा मेरी अपनी किरत यह है बाकी मैं की करन जोगा हाँ अवगन किते ने पाप किते ने ये अज तो छड़े। गुरु कहंदे ने जे तू छड़े ते मैं अज ही तेनू बख्शे आ जन्मा जन्मा दे तेरे बख्शे पर अगे वास्ते बंद पिछले बख्शे पर ये नहीं कि साल करदा रहो ते गंगा ना आया ते अगों फिर तैयार नहीं पिछले बख्शे अगों तेनू मार्ग देना अगों ठीक मार्ग ते चल। भाई नंद लाल जी ने बड़े सुंदर कहा से उम्र गुजारी विच विकारा हर की भगत न कीते
आगे समझ चलो नंद लाला जो बीते सो बीते। भाई साहब का एक बचन होर आपके सामने रखते हैं, कहते ने बेड़ी डुबन लगे तो डुबी जानी है तो जो बचदा ही कढ ला। पाप जे स्वास थोड़े रह गए ने, जिन्ने क रह गए उन्ने ही बचा लै, जेड़े गए हो तो गए, गया वक्त वापस नहीं आउंदा। मैं चाहा ना कल वापस आ जाए, नहीं आएगा, समा गया गया। जेड़ा आउन वाला है वर्तमान, जिन्हों वर्तमान भी कहना कहिंदे आई, ये भी भूतकाल बन जाता है, गुजर जाता है, समा तो इन्नी तेजी नाल चलदा। ऐसा कर बेड़ी डुबन लगी जो बचदा ही बचा ला, घर नूं अग लगी है जो निकल सकदा कढ लै, फिर सड़ जाएगा, फिर तो संस्कार हो जाएगा इस घर का, जो निकल सकता है कढ लै। तीसरी गल उन्होंने भाई साहब जी ने कही है, चोर घर नूं पै गया, मझ लै गए, कट्टी बचा लै, वह भी कल नूं मझ बन जाएगी, जो बचदा ही बचा लै, अंतम समय चरण शरण में आ जा। एक बात का जिक्र मिलता, तुसी पढ़ो बाबा अतर सिंह जी का जीवन वृतांत मस्त वाणी वाले का। कहते ने बजुर्ग एक कोई 90 साल तो उच्चे 95 साल का, आखे मैं अमृत पान कर, बच्चिया ने कहा बुढ़े बारे तेरी मत मारी गई, हुणे अमृत पान करना लोकी की कहणगे। ते कह पोतरिया ते ब्याह लैंदे किसे रिश्ता नहीं लैना, उन्हें कहना इन्हां बरात नू खाण पीण लई की देना। बेचारे नू बजुर्ग दी किन्ने सुनी चढ़ाई कर गया, ते उन्होंने एक गल कही, कहन लगे बड़ा जुल्म कीता जे, सरोवर दे किनारे आया सी, अंतम समय आ जांदा, प्यासा ही चला गया, पता नहीं हुण कदों वारी आएगी। जिहड़े सवास बचते सन ओह बचा लैन दें दे, गुरु का बन के जाता जी, वो मन च लालसा से तुसी कीता के त्यागया अमृत शराब वास्ते, के शराब छड़नी पएगी। अमृत कौरा बिखया मीठे, साख्त की बिद नैनो डेठे, इसनू अमृत लगता कौड़ा, जहर लगता ते जहर लगता इसनू मिठा। भाई साहब कहते ने जैसे नाओ बूढ़त ते जोई बचे सोई पलो, बूढ़ जात पाछे पछतायो रह जात, जैसे चोर लग जग जोई बचे सोई पलो, सोए रहे और रीतो घर देखे उठ प्रात है, जैसे घर लग आग जोई बचे सोई पलो, जर बुझे पाछे कछु बसना बसात है, तैसे अंतकाल अंतम समय, तैसे अंतकाल गुर चरण शरण आवै, पावे मुख पदवी न तर बिल लात है। कर्जा उतार लै छेती तो छेती उतार लै, तू जोदड़ी कर गुरु कट देवेगा, पापां दी जड़ कट देवेगा, नाम दा बीज बो देवेगा। पाप मकाउन लई इको गल है, अब कलू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, मत भरम भूलो भूलो, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का ही लाओ। कहते ने जीव जंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि कर्जा उतर गया सच जे। वडभागा है वो बंदा जिस ते अवगन मुक जा, हिरदा पवित्र हो जाए। अगे चोरी करने जांदा सी, हुण कहिंदा चलो जोड़े कर सेवा करिए, पहले बुरा बुरा सोचदा सी, हुण कहिंदा उठ के सिमरन कर लईए, पहले लोकां नूं गालियां देंदा सी, हुण कहिंदा बाणी पढ़ लईए, उल्ट हो गया। कहिंदे ने पुष्ट बात ते भाई सीधरी, दूत दुष्ट सजनई, अंधकाल में रतन प्रकाश्यो, मलीन बुद्ध अशनई, जो कृपा गोबिंद भई, उस दी कृपा हो गई कहो कबीर, बुद्ध हिरलई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। ओ बुद्ध ने मेरी खो लई, जिस नाल पाप होंदे सन, कर्जा चढ़दा से हुण नहीं चढ़दा।
भगत रविदास जी ने तो इस विचार इंज बयान किया, कहिंदे ने मना कदों तक कपड़े मैले करता रहेगा तो धोंदा रहेगा। पाप एक पाप कर लिया, एक पुन कर लिया, फिर एक पाप कर लिया, एक पुन कर लिया, या अवगन कर लिया, पछता लिया, ये कदों तक चलेगा? मैले कपड़े कहाँ लग धोवो, आवेगी नींद कहाँ लग सोवो। हुण कपड़ा मैला नहीं होण दे ना, जिमें है इसे तरह रखना है। कबीर पंथियां नूं पढ़ो, धर्मदास की रचना विच जो कबीर जी दे शिष सन एक गल बड़ी सुंदर उन्हें कही है, कहिंदे ने मेरा शरीर है चादर, ते 10 महीने लगे ने उस मालक नूं इह चादर बनाउंदे आ, जुलाहे सन उन्होंने उस ढंग दे प्रमाण चुने ने। साई को सियत मास 10 लागे बीन बीन के कीनी चदरिया, सुर नर मुण जाने ओड़ी चदरिया। देवत्या भी शरीर लिया पर उन्होंने चादर मैली कर दिते। कहते ने दास कबीर यतन से ओड़ी ज्यों की त्यों तर दीनी चदरिया। मैं चादर नू दाग नहीं लगन दिता, क्या लादा दा जिमें दिती सी उस तरह वापस लै ले। मैले कपड़े कहाँ लग धोमो, आवेगे नींद कहाँ लग सोमो। करजे उतारिया सतगुरु करिया, हर आप सिखा दा करजा उतार दिता। जेड़ा गुरु का सिख है उसके सिर ते काम दा करजा नहीं, क्रोध करजा ही आउंदे ने, मारदे ने, कुटदे ने, कहिंदे ने दे मेरा करजा। काम आउंदा मारदा कहिंदा दे करजा, क्रोध आउंदा हालों बेहाल का बांदर वांगू नू चा देंदा। हे कल मूल क्रोधं कदंच करना ना उपर जते, बिख्यंत जीवं वस्सिं क्रोध निरतं क्रोध जता मर कटे। क्रोध आउंदा मारदा कहिंदा दे करजा, लोभ आउंदा मारदा कहिंदा दे करजा, हंकार करदा मंगदा मोह करदा। पर गुरु के सिख कोलों कोई करजा नहीं मंगदा। वो कहिंदे ने जिमी नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला हर के लोगा, मोको नीत दसे पटवारी। ऊपर पूजा कर मैं गुर पै पुकारिया, तिन्हों लिया उभारी। गुरु ने मैनू बचा लिया। उन्होंने कहा दसो भाई तुहाडी ते खेती नहीं बीजी, ते मामला किस गल दा मंगदे हो? जदों खेती नहीं तुहाडी बोई ते तुहानू इह मामला टैक्स क्यों दे? ये काम तेरे नाल ते इहदा वाह ही नहीं, क्रोध लोभ मोह हंकार, तेरा ते कर्जा ही नहीं लिया, ये मंगना की है इहदे कोलों? सिख ने पाप दा कोई कर्जा नहीं देना, क्योंकि गुरु ने उतार दिता, गुरु ने इन्हां नालों नाता तोड़ दिता। कहिंदे ने मैं आ गया परमात्मा कोल। बड़ा सुंदर बचन गुरु अर्जन देव जी का, लोग कहिंदे ने रब नहीं दिसदा, कहिंदे ने मैं वेखे। गुरु का फला फड़िया मैं आ गया, मैनू दीदार होए ते रब हस के बोले। कहिंदे ने आए प्रपै आंचर लाग, करो तपावस प्रभ सरबाग। प्रभ हस बोले कि ये न्याय, सगल दूत मेरी सेवा ला, ये हुण मेरी सेवा चला देते। करजे उतारिया सतगुरु करिया, आप तन है उस सिख जिस दे सिर उत्ते पापां दा कोई करजा नहीं। ते बाकी जो गल अन धर्मा ने कही, गुरु ने ते दात दित्ती है। गुरु ने कहा मैं तैनू करजा नहीं दिता, माँ ने ते प्यार दिता है, माँ ने कदों करजा दिता? रब ने ते तेनू दात दिती, तेरे दाना कीमत ना पवे तिस दाते कमस। वो कहिंदे ने मैं ते करजा नहीं दिता, करजा ही ते होया बेकारां दा। जिहड़े करजा देंदे ने ओह मंगण वास्ते आउंदे ने। गुरु कदी साडे घर गया करजा? हां बख्शिश देण वास्ते जाए, साडा निस्तारा करन वास्ते जाए, साडा करजा उतारन वास्ते जाए। गुरु करजा मंगण नहीं जांदा। ओह कहिंदे ने मैं करजा दिता ही नहीं, मैं ते तेनू दात दिती, मैं ते तेनू प्यार दिता है। सिखा इस प्यार नू सांभ,
ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜੰਤ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ ਦੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਅਹਰ ਆਪ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਨਿਬਹਤ ਰਹੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਖੋਟ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਵਾਂ ਹੈ ਖਰਚਾ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਏ। ਹਾਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਵੇ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂਕਾ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਮੋਲ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਿਆ ਖੋਟ ਅਤੋਲ ਖਾਵਾਂ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸੰਗੈ ਲਾਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਨਿਬਹਤ ਰਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਔਰ ਖਰਚਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਤਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਿਭਤ ਉਮਰਾਂ ਨਿਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਭ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਟਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਟਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੋ ਜਿੱਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਘਾਟਾਂ ਘਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਕਾ ਮੇਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ ਤਿਸ ਜਨ ਕਹੋ ਕਹੋ ਕਾਂਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਟਾ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੱਡੈ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਨਿਬਹਤ ਰਹੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਖੋਟ ਅਤੇ ਚਿਰ ਮੋਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੋ ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ, ਪੂਰਨ ਭਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਤੋਟ। ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਜਾਉਣਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਓ, ਸਮੱਗਰੀ ਕੇ ਘਿਓ ਲਿਆਓ, ਆਟਾ ਲਿਆਓ, ਖੰਡ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਓ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਪਾਠ। ਇਹ ਸਭ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸ ਜਾਏ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਕੈਪਸੂਲ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਕਥਾ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਸੁਰ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਨ ਭਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੰਨ ਦੀ ਨਾ ਧਨ ਦੀ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਨਿਬਹਤ ਰਹੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਖੋਟ, ਪੂਰਨ ਭਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਤੋਟ ਰਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਰਾਧਨਾ ਹਰ ਨਿਧਿਆ ਪਾ,
साध संगत की बहुत महिमा है सिख धर्म विच। गुरु साहब ने यह महिमा करदे आप कहा सीधा जो पुछया किहड़े थम ने जिन्हां दे आसरे तुहाडा सिख धर्म खड़ा है। कहन लगे दो, एक गुरबाणी दूसरा साध संगत। भाव एक गुरबाणी ते दूसरे बाणी पढ़ के बाणी नूं कमाउण वाले। ये गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राज। बाणी तो बिना संगत बाणी नहीं सकती। संगत यो है जिथे गुरबाणी गाई जाए, गुरबाणी का विचार होवे, बाणी पढ़ी जाए। संगत यो है जो गुरु दे आसरे गुरबाणी दे आसरे होवे। सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है। संगत दे विचे क्यों आना जरूरी है? मनुख का एक स्वभाव है, नेचर है कि जो वेखदा उह करदा। ध्यान नाल वेखना, जो सुनदा बोलदा, जो तुसी सुनिया ना वो तुसी बोल के दूसरे नूं सुना दिओ। जो कन्ना नाल सुनदा, जुबान नाल बोलदा, जो अखां नाल वेखदा, वो हत्थां नाल करदा। जिन्हें कभी सारी जिंदगी वाहिगुरु नहीं ना आखिया, मैं वेखिया कि भुलिया भटकिया संगत विच आ जाए वो दे मुँह निकल जाता है वाहिगुरु, वो भी कह दें क्योंकि कोल बैठे कर रहे, कोल बैठे टिके नहीं वो भी टिक जाता। ये मेरा जाती तजर्बा वेखिया, जिहड़े बंदे कभी नहीं सुनाए आ गए वो भी अखां बंद करके बैठ जाते, टिके हुए ने, उन्होंने टिका लिया। संगत विच बड़ा सहारा मिलता, संगत विच भटकदा मन टिकदा क्योंकि टिके बैठे ने। संगत विच आनंद मिलता क्योंकि आनंद वाले बैठे, गुरु आनंद दा तनी बैठा होए गुरु दे कोल, जिस मिले है मन होया आनंद। सो सतगुर कही है संगत विच आना बड़ा जरूरी, आराधना करनी है। हरे जिसते कोल अपार खजाने, उसते खजाने मुकदे नहीं वधदे जांदे हन, तोटा कोई नहीं आउंदा। साध संग आराधना, गुरु की संगत विच बैठ के आराधना करनी चाहीदी, रब नूं याद करना चाहीदा क्योंकि परमात्मा हर निधि अपार, धर्म अर्थ अर काम मोख देते नहीं बा। कई बार कह दें मेरे घर विच सब कुछ ही है, कोई घाट नहीं, पर सब कुछ का अर्थ की है? सब कुछ का यह अर्थ नहीं कि जरूरी वस्तुआं लोड़ वालियां ये ही ने, यही कह दें सब कुछ है घर विच नहीं। सब कुछ तो आएगा जे सब कुछ का मालिक होवे। उन्हें पूछा जाए, मन लिया तेरे घर च फर्नीचर इन्ना वधिया किसी दे घर विच नहीं, तेरे घर विच कलीना इन्नियां वधिया किसी दे घर विच नहीं, तेरे घर च समान इन्ना वधिया सब कुछ है, पर तेरे घर विच रब है, परमात्मा है। राजियां नूं इहो पुछिया, उन्हें कहा संत जी मेरे घर च कोई घाट नहीं। कबीर साहब कहंदे ने मेरे घर च की घाट दिसे, कहन लगे तेरे घर तो कुछ भी नहीं, कोई चंगी मंजी भी नहीं, कोई चंगा बिस्तरा नहीं। कहन लगे पर मेरे घर विच जो है तेरे घर नहीं। वो मैं पंक्ति हुण आपनू सुनावा, कहिंदे ने हंकार विच मस्ते हुए राजे, ध्यान नाल गल सुन, कहत कबीर मदन के माते हिरदे देख बिचारे, तुम घर लाख कोट अश्व हस्ते, तेरे घर विच लखां हाथी घोड़े ने। अश्व कहिंदे ने घोड़े नू, हस्ती हाथी नू, तुम घर लाख कोट अश्व हस्ती, हम घर एक मुरारी, पर मेरे घर च एक परमात्मा, वो एक ही बहुत है। जे ते वो है ते सब कुछ है, ते जे वो नहीं ते कुछ भी नहीं। सबे थोक प्राप्त, थोक पदार्थ, सारे पदार्थ प्राप्त हो जाते ने कदों जे आवे एक हथ, एक हथ च आ जाए परमात्मा मिल पवे। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ,
गुर ते महल प्राप्ते जिस लिखया होवे मत मेरे मन एक स्यों चित लाए। एक बिन सब तंद है सब मिथया मोह माए। लख खुशियां पातशाहियां जिस सतगुर नदर करे। हरे निदां दाया पार अपार भंडारा ते जदों दिंदा चार पदार्थ कहे सन होण ते पूरा हो गया धर्म। काम दा अर्थ है कामयाबी। कई वारी बंदा कुछ काम करदा सारी जिंदगी सफल नहीं होंदा, पर कुछ ऐसे भी ने काम शुरू किया रब ने कृपा की कामयाबी उन्होंने पैर चुमदी है। बड़ा सुंदर कहा, तू वो राही था कि इस्तकबाल करती थी तेरा मंजिल। धन गुरु नानक देव जिधर जाते सो रस्ता कदम चुमदा सी। कामयाबी काम जो कामना की पूरी हो जानी। पहला धर्म फिर काम। धर्म अर्थ, अर्थ का अर्थ है माया। धर्म भी होवे पर भुखा नंगा ना होवे, घर च माया भी होवे। दूसरा पदार्थ आथ होए ता मुक्त सियाणा भगत विहूणा जग बौराणा। आथ सैल नीच कर पत्थर वर्गा कठोर होवे, जड़ मूर्ख होवे। कहिंदे ने नीच होवे अमीर गरीब सारे ही झुक दे। आथ सैल नीच कर होए, आथ ने देख निवे जिस दोए, दोवे चुकदे ने। निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करियो चित ना धरे। धर्म होवे अर्थ माया भी होवे। तीसरा काम, कामयाबी सफलता होवे। चौथा मोक्ष, बंधन कोई ना होवे, हर चीज तो मुक्त होवे। मन दा लगा संसार नाल नहीं करतार नाल, मुक्त होवे, रजा विच होवे, पाने विच होवे। और जिवें परमात्मा मुक्त है इंज मुक्त होवे। साहब कहिंदे ने चार पदार्थ लभण सिख बार नहीं जांदा। चार पदार्थ जे को मंगै साध जना की सेवा लगै, जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद त्यावै। गुरु दे चरणा विच आ धर्म अर्थ और काम मोख देते नहीं बार। बार शब्द बहु अर्थक है। बार उजाड़ नूं भी कहने, बार दा इलाका, बार दरवाजे नूं भी कहने। बाणी च शब्द आया कि प्रहलाद कोठे विच रखिया बार दिया ताला, दरवाजे नूं ताला लगा दिता। बार दा अर्थ है वार वाह, एक गल नूं दोहराउणा। बार दा अर्थ है देरी। जिन मानस ते देवते किए करत न लागे बार। इत्थे कहिया देते नहीं बार, देंदिया फौरन दे देंदा, एक क्षण विच दे देंदा, देरी नहीं लगाउंदा। भगत आराधना एक रंग, भगत आराधना करते ने एक दे प्यार विच। एक रंग शब्द नू बड़े ध्यान नाल समझिए। बंदा जदों रब दा नाम भी लैंदा कि नाम वास्ते ही नाम लैंदा, एक दे रंग विच लैंदा कि या होर किसे वास्ते लैंदा। मैं दे करां कई बार पाठ ते करदा कि इन्ने सुखमनी साहब करदे आ, पता लगा इन्ने पाठ कीते आ नौकरी मिल जाएगी। ध्यान ते नौकरी ते होएगा, पाठां दी ते होएगी गिनती। क्योंकि सुखमनी साहब वास्ते ओह सुखमनी पढ़ ही नहीं रहा, ओह ते पढ़ रहा नौकरी लई। सुनिया बीमारी हट जाती है, बीमारी हट जाए इन्नी बारी शब्द पढ़ते हैं, शब्द लिए तो शब्द पढ़िया नहीं, पढ़िया दुख वास्ते। इन्ने शब्द पढ़ लवान किसे दस दिता लाटरी निकल आई है, हूँ दिमाग में तो लाटरी लाटरी चल रही है, शब्द तो गिनदा रहेगा। कहते ने कौन है जिन्हें बंदगी की सिर्फ रब वास्ते, बंदगी की केवल बंदगी वास्ते। एक दरवेश नूं पुछिया, नित्य अरदासां करना है,
दुआ करना तेनू मिलिया कि कह लगा सब कुछ मिल गया जो मंगया मिल गया। कह लगे मंगया तू की है, घट्टो घट इन्ना ही दस तेरे को सेध लैनी है कि तू अज तक मंगया की है। कह लगा मैं यही कहना कि दातिया होर कोई मंग नहीं, मैनू अपना बनाई रख ते नित अरदास ही करा लिया कर, बस इन्ना ही बहुत। मैं अरदास केवल अरदास वास्ते करदा, मंग कोई नहीं। तन है वो सिख जपजी पढ़दियां विच किते घोड़ा ना आ जाए, जिवें भाई गोपाले दे आ गया सी। गुरु कहन लगे संघासन देन लगा सां, घोड़े तक रह गया। घोड़े वास्ते ना पढ़े, जपजी वास्ते ही जपजी पढ़े, बाणी वास्ते ही बाणी पढ़े, सिमरन वास्ते ही सिमरन करे, विच कुछ भी ना। हुण एक बेनती होर कर कि जिहड़े नहीं मंगदे उन्हां नूं मिलदा नहीं, मंगण वालियां नूं मिलदा। मैं एक बचन वल तुहाडा चेचा ध्यान देवां, बड़े ध्यान नाल सरवण करना। अज ते वड्डे आ तुरे फिरने आ, पर किसे वेले ऐसा सी जन्म होया बोल नहीं सन सकते, पासा भी नहीं सन पर सकते, जिथे पए पए ना ते मंगना हुंदा सी, ना कुछ बोलना हुंदा सी, ना कहना, ये भी नहीं सी कहना हुंदा मैं दुखी हाँ। मां देंदी नहीं सी, हद हो गई। अज मां उन्ना ध्यान नहीं रखती जिन्ना उस वेले रखती। बंदे तू रब दा बन जाए इन्ना काफी नहीं, मां ध्यान रखती है परमात्मा तेरा ध्यान ना रखेगा। तन ने ओ जिन्ना ने कहा मैं पाठ करदा हाँ पाठ वास्ते, अमृत वेले उठदा अमृत वेले वास्ते, मैं बंदगी करदा हाँ केवल बंदगी वास्ते ही। ते क्यों करना, वो कहिंदा इसका आनंद है, मंग नहीं इसका आनंद। गुरु जिन्हां नूं मिल जाए उत्थे ते केवल रह जांदा आनंद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सह से ते मन वजियां वधाइयां, तू मिल गया तेरी याद आ गई, तुद चित आए महा आनंद। याद रखना महान दुखी हो जिन्हों रब भुल जाए। जे पुछो सब तो वड्डा दुखी कौन, गुरु कहिंदे ने जिन्हों रब भुले। सब तो वड्डा आनंदत कौन, कहिंदे ने जिन्हों रब याद आए। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरहें सो मर जाए। वो आत्मक मौत ते मर जांदा, सब तो वड्डा दुख है मौत। फरीदा जिंद न माणी कढ़ी है हड्डां कुकड़काए, जिस विसरे सो मर जाए। परमात्मा देंदा देरी नहीं लाउंदा, पर भगत जड़े ने आराधना करदे ने, भगत तेरे मन भावदे दर सोहन कीर्त गावदे। नानक कर्मा बाहरे दर ढो न लैनी थामदे, उन्हां नूं एक ही भुखा। धन गुरु नानक देव जी ने किन्ना सिखरां नूं रूहानियत दे अध्यात्म दे सिखरां नूं छोया। कहिंदे ने भगतां नूं इक भुख आ, परमात्मा पुछदा किहड़ी भुख आ, तुहानूं की भुख है मैं देवां। ओह कहिंदे ने इक ही भुख है तेरी सिफत सलाह करदे रही। पंक्ति तुहाडे सामने है, नानक भगतां भुख सलाहन सच नाम आधार, सदा आनंद रहें दिन राती गुणवंतिया पाशाह। गुणवंतियां दी चरण धूड़ बन के रहिंदे ने सदा ही आनंद, दिने भी आनंद राती भी आनंद, जीवते आनंदे मरते आनंदे। तां के जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, तां के सेवक को सदा आनंदे। मन तन अंतर हर हर मन ते, नानक भगतन कह कर सदा आनंद। भगतां दे घर च कदी दुख नहीं। असल विच दुख की है, जिथे मंग है उत्थे दुख है, मंगते कदी सुखी नहीं होए। मंगण तो गुरु ने हटा के उन्होंने कहा अरदास करनी आ जाए निष्काम। पहलों तो शुरू मंगण तो ही होवांगे। वो कहिंदे ने मंग ते जे मंगना कोई चंगी मंग, मंग वो ना मंगे कल नूं दुखी करे। मंगना मंगन नेका हर जस गुरते मंगना। छोटी जी कथा कहां ताकि विचार स्पष्ट होए।
एक सज्जन ने बड़ा तप किया ते मंग की मंगी वर मंगया मैं जिस वस्तु नू हाथ लावा सोने दी हो जाए। प्रभु ने कहा रोएगा पछताएगा रावण सोने दी लंका बना के किन्ना सुखी होके गया कोई और मंग लै कह लगा नहीं जिस चीज नू हाथ लावा सोना बन जा तथास्तु हो जाएगा। घर आया हूँ कलौती बची से मंगना ना जो असी भी दरक समझ के मंगीए ऐसा ना हो पे घर से कलौती बची खेडे लै बेटा तेरे सोने दे खिलौने बना देंगा क्योंकि वर लै आ जिस वस्तु नू हाथ लावा सोना बन जाए तेरा बेड जड़ा सोने का होएगा तेरा घर सोने का होएगा। वो चा नाल उन्हूं चुकन लगा हाथ लाया वो सोने की बन गई मुर्दा हो गई हूँ रोवे परमात्मा ये वर वापस लै लै मेरी बची दे दे कह लगे मैं पहले ही तेनू कहा सी तेनू मंगना ही नहीं आउंदा मंगना तो सच एक जिस तुस देवे आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात विण तुद होर जे मंगना सिर दुखां कै दुख दे नाम संतोखी है उतर है मन की भुख इत्थे कहा भगत जन की करते ने कहते ने सिफत सलाह जिसनू बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह एक कर्ज करा सतगुरु दे सवारे हो सिफत तुसी कर लो बाकी काम उन्हें आप ही सारे करते हैं कहन की भी लोड़ नहीं जो गुरु ने कहा कर दो गुर फरमाए गुरसिख करना जे करो कर दिता वो साढ़े नाल सानू ध्यान है परिवार लिए की चाहिए उन्हूं ध्यान नहीं वो साढ़े जिनी भी अकल नहीं रखता इनू की चाहिए इस दियाँ की लोड़ा ने बाप समर्थ होवे एक पंक्ति सुनो पिता कृपाल आग्या है दीनी बारक मुख मंग है सो देना इत्थे सरदा पुजदा बंदा होवे वो कहिंदा मेरे बच्चे नू कोई घाट नहीं पर परमात्मा दा पुत्र जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसे नव निध नाम निधान ग्रह तेरे मन बाशै सो लैसे पिता कृपाल आग्या है दीनी बारक मुख मंग है सो देना ते बच्चा की मंगदा है नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहि हिरदे बसै नित चरना तेरे चरण हिरदे च वसते रह तेरे दर्शन होंदे रह ये मेरी मंग है। भगत सलाह आराधना एक रंग गोबिंद गोपाल बस आराधना उहदे वास्ते सिमरन सिमरन वास्ते आराधना आराधना वास्ते गोबिंद नू सृष्टि पालन वाले नू एक प्यार विच आराधदे ने राम नाम तन संचया जांका नहीं शुमा असी इकट्ठा नहीं करदे भगत भी इकट्ठा करते ने पर केड़ा वो कहिंदे ने संच हर दन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार नाम तने इकट्ठा किया नाम रस इकट्ठा किया उन्हें संचन ते किया नाम तन भगतां ने इकट्ठा की किया राम नाम तन संचया गुआया नहीं पागां वाला होवेगा इत्थे बैठ के बाला प्रीतम दे दरबार विच बैठ के जिहड़ा नाम रस इकट्ठा किया कोई घर तक लै जाए इहनू सांभ के रखे जो अवस्था इत्थे बैठे बनी है किते बाहर भी बनी रहे हर तरह नाल अवस्था बनी रहे हर हालत विच बनी रहे ओ पागां वाला गुरसिख है राम नाम तन संचया जांका नहीं शुमा जिसकी कोई गिनती नहीं किन्ना कहे ना मिनिया जांदा ना गिनिया जांदा ना तोलिया जांदा आखरी पंक्ति है शरण परे प्रभ तेरी है प्रभ की वड्याई प्रभु तेरी शरण विच तेरे भगत पए ने ते तेरी महिमा तेरी वड्याई करते शरण विच आउण दा भाव ही है कि होर किसे पासे झाक नहीं जिन्ना नौ सुहागनी तिन्ना चाक ना होर पासे नहीं हर एक से नाल मैं दोस्ती हर एक से नाल मैं संग एक दी टेक दूजा मन च कदी आया ही नहीं मन मेरे तिन की ओट ले मन तन अपना तिन जन दे
जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब थोक का दाता। गुरु ने एक नू पछाणिया सिख नू एक नाल जोड़दा। शरण परे प्रभ तेरी आ प्रभ की वड्याए, नानक अंत न पाइए बेअंत गुसाए। साहब कहिंदे ने उसका अंत नहीं, सिफत सलाह करनी ओ भी जिन्नी क कराए। इंजे समुंदर विचों चुमचाई भरे है ज्यादा नहीं। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कौन वड़ाई। तुहानू एक बेनती करा, शायद मिठा पर एक बूंद भी मिल जाए रास्ते आ जाता है ना। परमात्मा बारे के है तेरा नाम इन्ना मिठा है इन्ना महान है, किनका ही मिल जाए। किनका एक जिस जे बसावे ताकि महिमा गणी ना आ। पर मन च वस जाए, जी च वस जाए। एक पंक्ति होर पढ़ा, एक बूंद गुर अमृत दीनो तां अटल अमर ना मोआ। भगत भंडार गुरु नानक को सौंपै फिर लेखा मोल ना लाया। एक बेनती करके समाप्ति करा। बाबा फरीद नू एक दरवेश ने वेखिया, अंदरों बाहरों पुजिया पिया, तो उन्हें एक अनार दे दिता। इन्हें रखिया सी रोज़ा, वो अनार तोड़ के तो दूसरियां नू वंड दिता, क्योंकि रोज़ा सी आप ना खादा। रोज़ा जो खोलना सी ना, एक दाना जड़ा सी उस दे विच्चों थले गिर गया। वो दाना चुकिया मूँह च पाया, रोज़ा खोलिया। कहिंदे ने वह ऐसी बरकत वाली को गल से अंदर बाहर प्रकाश नाल भर गया। रोई जान रोई जान रोई, मुर्शद नू कहन लगे कुतुबद्दीन बख्तियार काकी जिसका इत्थे ही मज़ार है। कहन लगे मुर्शद मैं सारा क्यों ना खा ले, मैं दूसरे नू वंड देता। कहन लगे बहुता उदास ना हो, असल विच दाना एक ही कम दा सी जिहड़ा तेनू मिल गया, बाकी नहीं। जेड़ा तेरे भागा सी ना, एक ही दाना कम दा सी, ओ तेनू मिल गया, तेरे कपाट खोल दिते। मैं बेनती करा सानू भी एक किनका ही मिल जाए, ओ किनका लोक परलोक सवार देवेगा। किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गणी ना आवै। तुहाडे लई कम दा दाना ओ ही है जेड़ा हिरदे च वस जाए। अंबार लगे हुण सिखिया दे किस कम ने, जे हिरदे च ना वसन, हिरदे च वस जाए। कपड़ा सूट केस पिया पर्दा नहीं कजेगा, पाओगे तो पर्दा कजेगा। थाली च पिया प्रसाद भुख नहीं मिटाएगा, मिटाएगा पेट त जाएगी। धार्मिक ग्रंथां च बड़ियां सिखिया पईआं ने, पर उस वेले नस्तारा होवेगा जदों हिरदे च वसेगा। सतगुरु मेहर करे जो सुने है, बाला प्रीतम साढ़े हिरदे च वसाए, अंत विच बाला प्रीतम मेरे।